नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज राइटिंग में। मैं पुलकित सक्सेनापुर के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज राइटिंग के मॉर्निंग अपडेट की ओर। 18 अगस्त 2015 को दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान तालिबान को लेकर के भारत की नीति रही है। लेकिन ठीक 6 साल बाद 20 अगस्त 2021 में यह नीति जमीनी सच से काफ़ी अलग हो चुकी है। जूते के फीते बांधने के बहाने नज़दीक खड़ी लड़कियों के गंदे वीडियो बनाने वाले शातिर सिरफरे से पूछताछ अभी जारी है। इसमें नए तथ्य भी सामने आने हैं और पूछताछ में तो पता चल रहा है कि आरोपी ने करीब 200 से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बनाए हैं। आमिर महल में क्लिप बनाते पकड़े गए सुरेश यादव ने बताया कि वह अक्सर लड़कियों की वीडियो बनाता था, सुंदर और कम उम्र की युवतियों को टारगेट वह करता था। राज्य में 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद के चुनाव के लिए कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, यह तस्वीरें कल साफ हो गई। इसके साथ ही सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जयपुर जिला परिषद की स्थिति देखें तो यहाँ 51 वार्ड पर कुल 128 उम्मीदवार मैदान में हैं और खास बात तो इसमें यह है कि इस बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इस चुनाव में मैदान में हैं। इसके पीछे का कारण जयपुर जिला प्रमुख की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगले साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी कराने का फैसला लिया गया। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार बीसीसीआई देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। रणजी ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 5 जनवरी से 20 मार्च के बीच में किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ में बगावत शुरू हो गई है। दिन ब दिन बढ़ रही तालिबानी की जातियों के खिलाफ में 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो रहा है। पूरे अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान पंजशीर पर अब तक कब्जा नहीं कर सका। नॉर्दर्न अलायंस इस इलाके में ही सबसे ज्यादा मजबूत है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।